प्रथमे आपण समस्तकु सुप्रभात। आज हेउछि गुरुवार सेप्टेम्बर मास 22 तारिख। आज आपण मानको पई रहिछि किछ गुरुत्वपूर्ण अपडेट। तबे न्यूज टिकु संपूर्ण भाबे देखबा पूर्वरु प्रथमे लाइक करे दियंतु, सब्सक्राइब करि नथिले सब्सक्राइब करि पाखरे थिबा बेल आइकन कु प्रेस करंतु। तबे आसंतु नजर पकाइबा आजिर खबर उपरे। देशर लक्ष लक्ष रेशन कार्ड धारीक लागि खुशी खबर। जदि आपण भी फ्री रेशन आनुथांती तबे केन्द्र सरकार आपणक लागि खास योजना प्रस्तुत करुछंती। सरकार गरीबंकु मागणारे रेशन जगाई देबाकु देशरे गरीब कल्याण अन्न योजना को 30 सेप्टेम्बर रु आगक बढ़ावा लगे खूब शीघ्र निष्पत्ति ने। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे यही सूचना देखती। तेज ए बाबद निष्पत्ति केवधा हो पांडे कौन से सूचना देना। हेले देशर यही योजना मार्च 2020 आरंभ कर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजन केन्द्र और राज्य सरकार पक्षर मार्च 2020 देश में फ्री रेशन प्रचलन होता। यह योजन सारा देश में 80 कोटी लोक मागणारे फ्री रेशन जगै दि जाइला। नेक्स्ट खबर, आमाजन और फ्लिपकार्ट सेल बहुत जल्दी आरंभ होगा। सेल रे मोबाइल फोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी एवं अन्यान्य आइटम गुड़ी को बंप रिहाती सहित बिक्री करा। वर्षक एमित सेल गोटे थर ही आसी थाए। यही कारण अधिकांश लोके अपेक्षा कर रही था। एपण अधा दाम नुआ मोबाइल फोन किनिपारे। आमाजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल एवं फ्लिपकार्ट बिग विलियन डेथ सेल सेप्टेम्बर 23 रु आरंभ हो। सेल रे अधिकांश प्रोडक्ट को एपर्तंत सबुठ कम दाम बिक्री करा। सेल समय मोबाइल फोन जबरदस्त रिहाती दिजा। आमाजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल एवं फ्लिपकार्ट बिग विलियन डेथ सेल रे अनेक फोन को 50% रु अधिक डिस्काउंट सहित बिक्री करा जिवो। नेक्स्ट खबर, पंजाब नेशनल बैंक चाषी खास स्कीम आनी जो थे बैंक तरफ रु कृषक को 50,000 टका दि जाऊँ। टाक चाष कम व्यतीत व्यक्तिगत कम को पूरा करने व्यवहार करें। पंजाब नेशनल बैंक तरफ रु ग्राहकों को पीएनबी किसान तत्काल ऋण योजना सुविधा दि जाऊँ। जहाँ अनुजाई यही टंका चाषी को खाता रे क्रेडिट हेबो। पीएनबी ट्वीट करी यही सुविधा विषय रे सूचना देछि। पीएनबी यार ऑफिशियल ट्वीट रे कहिछि जे सबु चाषी को आवश्यकता को पूरा करबा पई पीएनबी आनिछि किसान तत्काल ऋण योजना। पंजाब नेशनल बैंक कहिछि जे यही स्कीम अनुजाई चाषी को चासबास पई आपण को टंकार आवश्यकता हेउ किंबा पुणी कोनोसी प्रकार आवश्यकता को पूरा करबा पई एही स्कीम फायदा नहीं पारे। चाषी तत्काल लोन योजना सब उद्देश्य नहीं पारे। नेक्स्ट खबर, सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल निकट में अनेक नुआ ऑफर प्रकाश पाई जहाँ विषय यूजर्स माने जानी बहुत खुशी हे। आजिकल ग्राहक माने दुईटी सिम व्यवहार करटिव करवा निहाती आवश्यक। ए परिस्थिति रे ग्राहक खर्च दुईगुणा हो जाए। तबे एही परिप्रेक्षी रे एक टेलीकॉम कंपनी पक्षरु एक खास प्लान लॉन्च करा जायछि। एही प्लान रे आपण बहुत कम पैसा खर्च करी निजर सिम को एक्टिव रखि परिबे। एही रिचार्ज योजना रे आपण 25 टकर कम मूल्य रे एक मासर वैधता पाई परिबे। प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर मानकर पोर्टफोलियो रे आपण एपनी कोनोसे प्लान पाइबे नहीं। बीएसएनएल पक्षरु एक 24 रुपया रिचार्ज प्लान लॉन्च करा जायछि। जदि आपण रेड कॉर्ड्स व्यवहार करथिबे तबे एही एसटीबी विषय रे संपूर्ण भाबे जानि सारिथिबे। वास्तव रे एहा हेउछि एक रेड कॉर्ड्स जेउथिरे कि 30 दिन पर्यंत वैलिडिटी मिलिथा। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अध्यक्षता रे अनुसूचित केन्द्र कैबिनेट बैठक रे आत्मनिर्भरशील भारतर अवधारणा को प्रोत्साहित करने तीनोटी निष्पत्ति निया जायछि। एथि मध्यरे सोलार पीवी पई पीएलआई योजना विस्तार करने को निष्पत्ति निया जायछि। एथिसहित सेमिकंडक्टर उत्पादन तीनोटी योजन फ्लाट 50% प्रोत्साहन देवाक निष्पत्ति निया जायछि। एथिसह कैबिनेट बैठक रे सरकार जातीय लॉजिस्टिक नीति को अनुमोदन करिछन्ति। कैबिनेट बैठक पर केन्द्रमंत्री अनुराग ठाकुर कहिछन्ति जे सरकार सोलार पीवी मॉड्यूल ट्रांस 2 पई पीएलआई योजना को अनुमोदन करिछन्ति एवं एथिपाई 19,500 कोटी टंका प्रदान करा जायछि। एही निष्पत्ति सहित देशरे सोलार पैनल
उत्पादन वृद्धि पाइब। नेक्स्ट खबर, आगको दशहरा उपलक्षे ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेज़न फ्लिपकार्ट रिहाती दर रे बिक्रय घोषणा करिछंती। एही बिक्रय समय रे साइबर ठक माने मध्य सक्रिय होवंती। एपरी परिस्थिति रे आपण ऑनलाइन ठकेरु दूरै रहिबा उचित, कारण एबे बिक्रय समय रे ठके अनेक मामला आसुचि। एपरी परिस्थिति रे जदि ऑनलाइन ठके मध्य आपणक सहित घटे तबे आपणक तुरंत एहा विषय रे अभिजोग करबाक पडिब। एहा आपणकर टंका फेरस्त करिवार संभावना को बढ़ाई थाए। जे केही ऑनलाइन ठकेर शिकार होंती किंतु समयानुवर्ती पदक्षेप आपणको आर्थिक क्षतिरु रक्षा करि पारिबो। आपणको केवल ऑनलाइन ठके अभिजोग करबाक 4 अंक विशिष्ट फोन नंबर डायल करबाक पडिबो। एठारे आमे ऑनलाइन ठकेर अभिजोग पई सृष्टि होइतबा हेल्पलाइन नंबर विषय रे कहउचु। एथिपई साइबर दोस्त ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट रे मध्ये सूचना दिया जायछि। साइबर ठकेर शिकार हेले आपणको तुरंत 1930 डायल करबाक पडिबो। नेक्स्ट खबर, ओडिसा सिविल सर्विस 2022 रो प्रीलिम परीक्षार तारीख घोषणा होईछि। अक्टोबर 16 तारीख रे ई परीक्षा अनुष्ठित हेबो। एहि दुईटी सिटिंग परीक्षा अनुष्ठित हेबो। सकाळ 10:00 रु दिन 12:00 जाय जनरल स्टडीज पेपर 1 एवं दिन गोटाय 30 रु 3:30 पर्यंत पेपर 2 परीक्षा अनुष्ठित हेबो। भिन्नक्षम प्रार्थी मानक पई अतिरिक्त 40 मिनिट समय मिलिबो। राज्यर 5टी जोन रे परीक्षा नै विज्ञप्ति प्रकाश करिछि राज्य लोकसेवा आयोग। नेक्स्ट खबर, ओडिसा रे सरकारी चाकरी खोजुथिले आसीछि खुशी खबर। ओडिसा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन बा ओएसएससी रे ल्याब असिस्टेंट नियुक्ति पई विज्ञप्ति प्रकाश बाहरिछि। आश्रय प्रार्थी माने ऑनलाइन जरिया रे आवेदन करि पारिबे। ओएसएससी ल्याब असिस्टेंट ओडिसा सरकार को ग्रुप बी स्केल अधीन रे आसीछि। आग्रही तथा योग्य प्रार्थी माने 26 सेप्टेम्बर 2022 रु ओएसएससी रो ऑफिशियल वेबसाइट www.ossc.gov.in को जाई एही पदवी पई आवेदन करि पारिबे। नेक्स्ट खबर, आगकु आसुछि दुर्गा पूजा। एही पूर्वरु नवरात्रि रे केंद्र सरकार पीएफ अकाउंट धारी को भेटी देबा को योजना करछंती। पीएफ खाता रे थिबा जमा राशि उपरे 8.1% शुद्ध मिलि पारे। ईपीएफओ पक्षरु मामला रे आधिकारिक घोषणा होइ नथिले हे पूजा पूर्वरु सरकार को पक्षरु एही टंका जमा करा जिवो बोली कहा जाउछि। 2021-22 आर्थिक वर्ष लागि ईपीएफओ परे 8.1% शुद्ध मिलिबो। एही हिसाब रे खातारे थिबा अर्थराशि उपरे केते टंका मिलिबो ताहा निर्भर करिबो। जदि खातारे 1 लाख टंका अछि तबे वार्षिक सुध हिसाब रे 8100 टंका मिलिबो। सेहिबोले जदि खातारे 10 लाख टंका अछि तबे सुध हिसाब रे 81000 टंका खाता को ट्रांसफर हेबो। एसएमएस माध्यम रे बैलेंस जानिबा लागि 77382998999 कु ईपीएफओ एचओयूएएन ईएनजी लेखि पठांतु। जदि हिंदी रे सूचना पाइबा को चाहौछती तबे ईएनजी स्थान रे एचआईएन लेखंतु। एही एमएमएस कु पठाइबा परे जवाब रे बैलेंस संपर्कित सूचना मिलि जिवो। नेक्स्ट खबर, जदि आपण स्प्लिट एसी किनिबा को योजना करछंती तबे एहा आपण को पई उपयुक्त समय, कारण पाग बदलिबा सहित हटा स्प्लिट एसी रो मूल्य ह्रास पाइछि। पानी पाग को दृष्टि रखी बिक्री मध्य आरंभ होईछि, किंतु एथि पई आपण को फ्लिपकार्ट नुहे क्रोम सहित सामना करबा को पड़िबो। एलजी 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी रो एमआरपी हेउछि 75990 टंका एवं आपण एहा को 43890 टंका पई 82% रिहाती परे किणि पारिबे। एहा सहित आपण को सहज ईएमआई रो विकल्प मध्य दिया जाउछि। सही अनुजाय आपण एही एसी रे 32100 टका रिहाती रे पाई परिबे, किंतु आपण एहा थारु भिन्न रिहाती पाई परिबे जहां क्रेडिट कार्ड रे उपलब्ध। नेक्स्ट खबर, सीएसएम टेक आसंता 2040 मध्य रे नेट जीरो विश्व गठन करबा पई क्लाइमेट प्लेस हस्ताक्षर करबा पई 376 हस्ताक्षरी को शामिल करिछि। सीएसएम सप्तम भारतीय तथा ओडिसा रा प्रथम कंपनी भाबरे
एही कार्य करिछि। सीएसएम 376 संगठन समूह सामिल हेबार सौभाग्य अर्जन करिछि, जेउथरे अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, उबेर, साइमेंस, कोका कोला, आईबीएम, फिलिप्स वो भिजा भली बड़ बड़ कंपानी सामिल अच्छा। यही सब कंपानी विश्व को सुरक्षा देवा एवं एक सबुज सुरक्षित भविष्य प्रतिज्ञा कर। सेप्टेम्बर 19 तारीख से न्यूयॉर्क रे होइथिबा जलवायु सप्ताह एनवाईसी मध्य घोषणा करने बेस महत्व बहन करुछी।